हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है आपको, अलजेब्रिक इक्वेशंस गिवन है, इसको आपको शो करना है ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, LHS से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज़ योर LHS। ठीक, क्या है यहाँ पर, 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो हमको एक फॉर्मूला पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो फॉर्मूला अप्लाई करें तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 × 3x इंटू 7, ठीक, माइनस 84x। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये 3 × 3 = 9x स्क्वायर प्लस 7 × 7 = 49, 2 × 3 = 6, 6 × 7 = 42x माइनस 84x। ठीक है, यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 49, यहाँ देखो 84x है, ये माइनस का ये है, प्लस का 42x है ना। क्या हो जाएगा, देखो दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों में x आ रहा है वेरिएबल, तो इसका मतलब हम इसे आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों में x है तो 84 माइनस 42 कितना हो जाएगा, 42x, लेकिन साइन तुम्हारा लगेगा नेगेटिव। ठीक है, ये तो तुम्हारा आ गया LHS। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू RHS। अब हम RHS देखेंगे, RHS क्या होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास, यू हैव 3x माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसको तुम प्रोसीड करो, देखो ये किस कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास a माइनस बी होल स्क्वायर लग सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पर देखो a क्या है 3x और b क्या है 7। ठीक, तो देखो क्या करोगे, 3x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 × 3x × 7, 9x स्क्वायर प्लस 49, ये कितना हो जाएगा, 42x। ठीक, देखो दोनों सेम आ रहे हैं, तो हाँ भाई यू कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हमने जो करा है दैट इज ट्रू। ठीक है, दैट इज करेक्ट, सॉरी। ठीक, चलो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। अब देखो बच्चों, सेकेंड पार्ट में यू हैव टू शो दैट 9p माइनस 5q का स्क्वायर प्लस 180pq इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को पूरा वो कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, फिर देख लेंगे दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगाओगे तुम, तो यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही वाली आइडेंटिटी हम लगाएंगे अभी। ठीक, तो यहाँ पर देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9p का स्क्वायर प्लस 5q का स्क्वायर माइनस 2 × 9p × 5q। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 9 × 9 = 81 पी स्क्वायर प्लस 5 × 5 = 25 q स्क्वायर माइनस 2 × 5 = 10 × 9 = 90 pq। अच्छा ये भी तो है, ये है प्लस 180 pq। ठीक है, सही। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 81 पी स्क्वायर प्लस 25 q स्क्वायर, देखो दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों में पी क्यू आ रहा है, आ रहा है, ये प्लस का 180 है माइनस 90, तो 180 माइनस 90 कितना होता है, 90 हो जाएगा, वो भी प्लस का। ठीक है, सो दिस इज योर LHS। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हम RHS की बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, देखो हमारे पास क्या है, वी हैव 9p प्लस 5q का स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रही है ये वाली आइडेंटिटी, तो तुम लिख सकते हो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, इस आइडेंटिटी को लगाओ, ये हो जाएगा 9p का स्क्वायर प्लस 5q का स्क्वायर प्लस 2 × 9p × 5q। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 9 = 81 पी स्क्वायर प्लस 5 × 5 = 25 q स्क्वायर प्लस 90 pq। तो देखो सेम तो आ रहा है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तुम्हारा इक्वल आ रहा है ना।
तो तुम अपना लिख सकते हो दैट एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस. ठीक है, अब चलो इसके थर्ड पार्ट पे. अब देखो बच्चों, थर्ड पार्ट में तुम्हारे पास, तुम्हें इसको किसके इक्वल शो करना है, 16/9m² + 9/16n². तो हम क्या करेंगे, पहले हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हम एल एच एस को पूरा सॉल्व करते हैं. ठीक, तो यहाँ पर यू हैव 4/3m - 3/4, दिस इज n. ठीक है, इसका स्क्वायर. तो देखो मेरे पास क्या कौन सी आइडेंटिटी याद आ रही है, हमें आइडेंटिटी याद आ रही है a - b² क्या होता है, a² + b² - 2ab होता है. चलो यहाँ पे अप्लाई करें यही वाली आइडेंटिटी, तो ये कितना हो जाएगा, 4/3m² + 3/4n² - 4/3m * 3/4n + 2mn. ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 4/4 = 16/9m², ये हो जाएगा 9/16n². यहाँ पे देखो सब कट रहा है आपस में, क्या बच जाएगा, -2mn + 2mn. ठीक है, तो यहाँ से देखो कैंसिल हो रहा है, तो हाँ भाई दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं. ठीक है, नाउ यू आर लेफ्ट विथ 16/9m² + 9/16n². ठीक, क्या बचा आपके पास, बचा है 16/9m² + 9/16n². ओ यही तो है, यही तो तुम्हारा, दिस इज़ योर आर एच एस है कि नहीं, तो दैट मीन्स यू हैव प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा राइट हैंड साइड के इक्वल है. ठीक है, तुम्हें आगे आर एच एस को सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है. ठीक, चलो लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ पार्ट. देखो बच्चों, फोर्थ पार्ट में क्या है, तुम्हारे पास 4PQ + 3Q² - 4PQ - 3Q² है. ठीक है, तो देखो बच्चों, पहले हम ना एल एच एस सॉल्व करेंगे. जब भी कभी ऐसा हो कि तुम्हारे पास एक पूरा स्क्वायर माइनस दूसरा स्क्वायर हो, कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, हमेशा याद रखना a² - b² की आइडेंटिटी लगाओगे, क्या होता है, a + b * a - b. यहाँ पर देखो, यहाँ पर a क्या हो जाएगा, 4PQ + 3Q. ठीक, और b क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म हो जाएगी. ठीक है, आ गया समझ में. चलो अब हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, a है 4PQ + 3Q. ठीक, प्लस हाँ b क्या है, पूरी ये वाली टर्म 4PQ - 3Q. ठीक, अब है a - b, चलो a - b करते हैं, a क्या है 4PQ + 3Q, माइनस कर दो ये. ठीक, माइनस का साइन लगा दो बाहर, 4PQ - 3Q. ठीक, देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहे है, तो हाँ भाई यहाँ पे 3Q से दोनों लाइक टर्म से दोनों निकल गए आपस में. चलो क्या बचा, 4 प्लस 4, देखो ये भी PQ है, ये भी PQ है. ठीक, दोनों PQ हैं, तो 4 + 4 हो जाएगा तुम्हारे पास 8PQ. ठीक, इधर देखना ज़रा से, यहाँ पे कुछ मिल रहा है, तो मेरे लाइक टर्म्स कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो हाँ भाई हो रहा है. कैसे, यहाँ देखो क्या कर सकते हो, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा माइनस का PQ, वो हो जाएगा प्लस का 3 + 3 = 6Q. ठीक, कुछ जा रहा है, हाँ 4PQ से 4PQ जा रहा है. अच्छा सॉरी, ये आ जाएगा प्लस का क्यू, है ना, अभी थोड़ी ना ऐड हो जाएगा, अभी तो प्लस का 3Q बन जाएगा ये. ठीक है, अब ये हो जाएगा 8PQ, यहाँ देखो ज़रा ये क्या हो जाएगा, 3Q + 3Q हो जाएगा 3 + 3 = 6Q, 6 × 8 = 48, p²². ठीक, सही है. अब चलो अब आ जाते हैं अपने राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड क्या है, 48PQ² यही तो है, तो हैंस वी कैन से ये तुम्हारा एल एच एस था, ये तुम्हारा दिस इज योर राइट हैंड साइड. तुम बोल सकते हो दैट एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस. बड़ी ही आसान क्वेश्चन है, है ना, कोई ऐसा खास मुश्किल नहीं है, आराम, बस तुम्हें आइडेंटिटीज जो है वो याद होनी चाहिए. ठीक, अब आ जाओ तुम इसके लास्ट पार्ट पे. अब देखो बच्चों,
फिफ्थ पार्ट में तुम्हारे पास है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तुम क्या करोगे, पहले राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं हम अभी. यहाँ पर देखो कुछ क्या नज़र आ रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. कौन सी आइडेंटिटी है भैया, ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, है ना. यहाँ बीच में प्लस का साइन है, सॉरी. ठीक, अब तुम आ जाओ इधर की तरफ. यहाँ देखो, यहाँ क्या नज़र आ रहा है, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी. ये कौन सी आइडेंटिटी है बच्चों, देखो कौन सी आइडेंटिटी है, ज़रा देखो. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो होती है. ये आइडेंटिटी तुमने यहाँ लगा दी. अब देखो b माइनस सी इंटू बी प्लस सी कौन सी आइडेंटिटी, ये है b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. तो इसको लिख दो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. ठीक, यहाँ देखो फिर वही आइडेंटिटी लग रही है, c माइनस ए इंटू सी प्लस ए कौन सी आइडेंटिटी है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो लिख दो प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, तुमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करी है. ठीक, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो भाई ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर. ठीक है, आपके पास क्या बचा, यू आर लेफ्ट विद ज़ीरो. ठीक, अब आ जाओ तुम राइट हैंड साइड पे. राइट हैंड साइड क्या है आपका, दिस इज़ अगेन ज़ीरो. तो आप बोल सकते हैं दैट एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड. ठीक है, सही. हियर वी एंड क्वेश्चन नंबर 5. नाउ वील प्रोसीड ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेन ऑफ सॉल्यूशन.